हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन लर्निंग इनिशिएटिव बाय NSSIIT बॉम्बे के एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में। आज की वीडियो का विषय है हूप ग्लाइडर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हूप ग्लाइडर क्या होता है, कैसे बनता है और विज्ञान के नज़रिए से ये कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहला प्रश्न, हूप ग्लाइडर होता क्या है? जैसा कि बचपन में हम सभी ने कागज़ का विमान तो उड़ाया ही होता है, हूप ग्लाइडर भी कुछ उसी प्रकार होता है। अगर हम इसको कुछ ऊंचाई पर ले जाकर एक निर्धारित कोण पर फेंकें तो यह हवा में तैरता हुआ ज़मीन पर आकर रुक जाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि धरती के कारण लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल और हवा के कारण लग रहे प्रतिरोधक बल को कुछ इस प्रकार संतुलित करता है कि यह हवा में उड़ सके। तो आइए देखते हैं हूप ग्लाइडर बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए आपको कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होगी, जैसे कि कैंची, स्केल, स्ट्रॉ, पेन या पेंसिल मार्किंग करने के लिए और पेपर। पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा कड़क पेपर ना लें क्योंकि उसके भार की वजह से आपका हूप ग्लाइडर ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाएगा। सबसे पहले आपको कागज़ लेना है और दिए गए मापों के अनुसार उसे काट लेना है, कुछ इस प्रकार। फिर आपने जो कागज़ के टुकड़े काटे हैं उनमें से दो टुकड़ों को लें और आपस में टेप से इस प्रकार जोड़ें कि एक घेरा बन जाए, कुछ इस प्रकार। कागज़ की आखिरी बची पट्टी को भी कुछ इस प्रकार जोड़ें कि वह भी एक घेरा बना ले, कुछ इस प्रकार। अब आपने जो कागज़ के घेरे बनाए हैं उन्हें लें और स्ट्रॉ के कोनों पर टेप से चिपका दें। ध्यान रखें कि टेप को अंदर की तरफ से चिपकाएं, कुछ इस प्रकार। तो हूप ग्लाइडर हवा में कुछ इस प्रकार उड़ता है। अब हम अपने वीडियो के तीसरे और आखिरी सवाल में आ चुके हैं कि हूप ग्लाइडर के पीछे का विज्ञान क्या है। जब आप हूप ग्लाइडर को हवा में एक निर्धारित कोण पर फेंकेंगे तब वो हवा में कुछ इस स्थिति में होगा और उस पर कुछ इस प्रकार बल लग रहा होगा, धरती के कारण गुरुत्वाकर्षण बल, हवा के कारण पीछे की ओर वायु प्रतिरोधक बल, और जो हमारे घेरे होंगे उनके अंदर हवा होगी जो कि घेरों के द्वारा दबाई जा रही होगी, जिसके कारण घेरों पर ऊपर की ओर बल लगेगा। यह सारे बल कुछ इस प्रकार संतुलित हो जाएंगे कि हूप ग्लाइडर आगे की ओर बढ़ने लगेगा। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह नहीं उड़ेगा, पर शुरुआत में आपको अपने हाथ के द्वारा कुछ बल लगाना होगा जिसके कारण इसे प्रारंभिक वेग मिलेगा और यह आगे उड़ पाएगा। तो ये लीजिए, हम आ चुके हैं अपने वीडियो के अंत में और हमने अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए हैं। जरूरी सूचना, ऐसा हो सकता है कि आपका हूप ग्लाइडर पहली बारी में ना उड़े। शायद आपका कागज़ थोड़ा मोटा हो गया हो या थोड़ा पतला रह गया हो या आपने स्ट्रॉ की लंबाई ज़्यादा या कम ले ली हो। जब हमने पहली बारी यह प्रयोग किया था तब
हमसे भी नहीं उड़ा था। तब हमने इसके माप अलग करके देखे और हमें सफलता मिली। तो आप भी माप बदल कर देखें, आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।